वेलकम स्टूडेंट क्लास नाइन्थ। हम एसएस का वीडियो लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने अभी तक एसएस में एट्थ क्लास तक कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा। आपने जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स बोलते हैं। अब एक और बुक है हमारी जो किसकी, इकोनॉमिक्स की है। ये भी हमारे सोशल साइंस का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में हमें आज चैप्टर वन शुरू करेंगे और इकोनॉमिक्स क्या है इनको इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे अर्थव्यवस्था हम बोलते हैं, आप जानते हो। पहले चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी एक विलेज है पालमपुर, उसकी एक कहानी है। ये जो कहानी है ये काल्पनिक कहानी, काल्पनिक का मतलब सच्ची नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स को सिखाने के लिए एक कहानी है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ये जो पर्पस है स्टोरी का कि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, किसके रिलेटेड, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, जो भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, खेत में प्रोडक्शन होता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी, और इसको हम एक स्टोरी से करने की कोशिश करेंगे, ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज। और स्टोरी कैसी है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब कल्पना, एक परिकल्पना। हमारे कल्पना का हम विलेज ले रहे हैं, जिस विलेज का क्या नाम है, पालमपुर। क्या नाम है? पालमपुर। और हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर का जो मेन एक्टिविटी था वो क्या था? खेती था। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटी गतिविधियाँ करते थे वहाँ के लोग, जैसे छोटे मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करते थे, डेयरी का बिजनेस था वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस था, आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, लेकिन ये क्या है, कम मात्रा में किया जाता था। मेन उनका बिजनेस क्या था? फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर था। उसके बाद हम आगे देखेंगे चैप्टर में। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और आप जानते हो कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इनको करने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग तरह के क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। देखो क्या क्या रिसोर्स चाहिए। पहला तो चाहिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए, प्राकृतिक, जैसे खेती करनी है तो सॉइल चाहिए, और ऑक्सीजन, एयर, है ना, न्यूट्रेंट, मैन मेड आइटम्स चाहिए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए आइटम चाहिए, ह्यूमन इफर्ट, इंसान की मेहनत चाहिए, और मनी यानी पैसा चाहिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कॉम्बाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड। जैसे हम इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे तो हम सीख जाएंगे कि अलग अलग रिसोर्सेस को जोड़कर या मिलाकर कैसे जो हमारी इच्छा का जो गुड्स है या सर्विस है वो मिलता है, कैसे गुड्स को और किसको, सर्विस को, सर्विस यानी सेवा, और गुड्स यानी जो सामान होता है, उन सबको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है एक गांव में, किसके द्वारा, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन इफर्ट, मनी, उन सब रिसोर्सेज को कैसे कॉम्बाइन करके हम लोग अलग अलग तरह के गुड्स को और सर्विस को बनाते हैं। तो ये स्टोरी अब शुरू होगी। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन, यानी पालमपुर एक ऐसा गाँव है जो पड़ोसी गांव और शहर से क्या है, कनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है। रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर है कहां से, पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज, और रायगंज से पालमपुर ऑल वेदर रोड का मतलब सभी मौसम में सही रहने वाले रोड से क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि बारिश में रोड ही नहीं रहेगा, यानी अच्छे रोड से, पक्के रोड से जुड़ा हुआ। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और उसके पास में जो सबसे छोटा जो शहर है वो क्या है, शाहपुर। क्या है? शाहपुर। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, इन रोडों में जाते वक्त बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट आपको दिखेंगे, जैसे क्या क्या दिखेगा, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी, टोंगास, टांगास बोलते हैं जिसको हम लोग, जो किसके द्वारा, घोड़े के द्वारा चलता है टांगा, बोग्या ये होता है, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, लकड़ी का जो
कार्ट है जो किस कौन खींचता है, बफेलो खींचता है, लोडेड विद जैगरी जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, गुड़ भरा हुआ है एंड अदर कमोडिटी टू मोटर व्हीकल, उसके अलावा मोटर व्हीकल भी है यानी मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, ट्रैक्टर भी है और उसके अलावा क्या है ट्रक भी, ये सब आपको रोड में दिखेंगे। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली, और इस गांव में कितने परिवार है, 450 परिवार है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, और अलग अलग कास्ट के लोग हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, लेकिन 80 फैमिली कौन से कास्ट की, ऊंची जाति यानी अपर कास्ट की, जिनके पास गांव की ज़्यादातर ज़मीनें इनके पास ही है। देयर हाउस सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज, और इन जो पक्के जो अपर कास्ट की फैमिली है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके कुछ घर तो पक्के ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट से उनका प्लास्टर हो रहा है और लार्ज यानी बड़े घर है। द एस सी यानी शेड्यूल कास्ट या दलित लोग, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या है उनका क्या है 1/3 यानी जो भी जनसंख्या होगी उनका 1/3, लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज, तो एक गाँव है जैसे मान लो ये बड़ा गांव है इसके एक कॉर्नर में वो रहते हैं, एंड इन मच स्मॉलर घर, और उनके घर भी बहुत छोटे छोटे, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ, जो किससे बने हुए, मिट्टी से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और इन गांव में ज़्यादातर घरों में क्या है बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड, सारे ट्यूबवेल को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, एंड यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और छोटे छोटे बिजनेस करने में भी लाइट की ज़रूरत होती है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल का मतलब 5th तक या 8th तक है ना, एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है जिसमें 10th 12th होता है। देर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक हॉस्पिटल भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब जो छोटा हॉस्पिटल होता है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक छोटा प्राइवेट क्लिनिक भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमारों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ऊपर जो हमने बातें पढ़ी पालमपुर गाँव के बारे में, इससे हमें पता लगा कि यहाँ का रोड सिस्टम ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन भी है, बिजली भी है, सिंचाई भी होती है, स्कूल भी है, हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल भी है। कंपेयर दिस फैसिलिटी टू विद दोस इन योर नियर बाई विलेज, हम इसका कंपेयर हमारे आसपास के गांव से कर सकते हैं कि क्या हमारे गांव आसपास के गांव में भी ये सुविधा है या नहीं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं किसके, पालमपुर का, ये कैसा गाँव है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक गाँव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, और इसको पढ़ते वक्त हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी जो गाँव में चलती है उसके बारे में सीखेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो सबसे पहली बात आपको सीखना है इंडिया के गाँव में प्रोडक्शन एक्टिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मिंग यानी खेती सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है गांव में। द अनदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर्ड एज नॉन फार्मिंग, और अगर जो खेती के अलावा कोई काम करता है तो ऐसे आदमी ऐसे काम को बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इंक्लूड उसमें क्या होगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटा कोई बनाने का काम, जैसे कोई मटका बना रहा है ना, कोई और छोटी चीज़ें बना रहा है, या कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, लोगों को ले जाने के लिए लाने के काम कर रहा है, शॉप कीपिंग कोई दुकान खोल रहा है। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, हम इन सब एक्टिविटी के बारे में देखेंगे आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और इसके बाद हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या संगठन चाहिए, ये कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज मान लो मैं कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस दैट वी वांट, तो प्रोडक्शन का जो एम यानी लक्ष्य क्या होता है कि हम क्या बनाएं, या तो गुड बनाएं, गुड यानी सामान, जैसे मान लो कोई बिस्किट बना रहा है तो वो गुड हो गया, और सर्विस का मतलब कोई सर्विस दे रहा है, जैसे आज आपको बैंक है वो क्या देता है, सर्विस देता है, वो कोई सामान नहीं देता, आप पैसा रखते हो वो आपको सेवा देता है, और वैसे ही जो फैक्ट्री वाले वो आपको गुड्स देते हैं। तो सबको प्रोडक्शन करना है तो उसका एक लक्ष्य होता है
कि गुड्स एंड सर्विस को वो बनाए। देर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, और ये गुड एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमें चार जरूरत है। कितनी जरूरत है? चार। तो आपको दिख ही रहा है, देखो काले काले अक्षरों में लिख रखा, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, फिर लेबर चाहिए, काम करने वाले चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ठीक है, और फिर ह्यूमन कैपिटल चाहिए। कैपिटल यानी यहाँ पैसा होता है, पूंजी होता है। अब देखते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहला, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहली जरूरत क्या है? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं उनके हिसाब से, जिसको पानी चाहिए, किसी को फॉरेस्ट के मटेरियल चाहिए, किसी को खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जमीन। क्योंकि अगर जमीन ही नहीं होगी तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। सेकेंड हमें क्या चाहिए? लेबर यानी काम करने वाले मजदूर चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क, ऐसे लोग जो काम कर सकते। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। कुछ कामों में, जैसे कार में बनाना है तो इंजीनियर चाहिए, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो अच्छे पढ़े लिखे काम करने वाले चाहिए, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, और कुछ काम में ऐसे आदमी चाहिए जो नॉर्मल काम कर सकते। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, लेकिन हर काम में क्या चाहिए? लेबर चाहिए। जैसे आप बड़ी कंपनी में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो तो भी आप काम कर रहे हो, तो आप एजुकेटेड हो। कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो वो भी काम कर रहा है, सभी लेबर है, हम भी लेबर है। थर्ड रिक्वायरमेंट, तीसरी चीज क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल रूप से हमें क्या क्या पैसा चाहिए जो हमें मदद करेगा प्रोडक्शन में। द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन करते वक्त हर एक स्टेज में हमें बहुत सारे सामानों की जरूरत होती है। तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आएंगे? सबसे पहला हमें चाहिए टूल, मशीन और बिल्डिंग। यानी हमें जमीन तो मिल गई लेकिन बिल्डिंग भी बनानी है, तो पैसा चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर मशीन चाहिए हमें, फिर औजार चाहिए। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लग, जैसे खेती करने के लिए फार्मर को क्या चाहिए होता है? प्लग चाहिए होता है, वो एक छोटा टूल है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। टू द सोफिस्टिकेटेड मशीन, उसके अलावा कहीं जगह प्रोडक्शन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती है, जैसे जनरेटर चाहिए, टर्बाइन चाहिए घुमाने वाला, कंप्यूटर चाहिए। टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर, और इनको हम लोग क्या लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल, यानी एक फिक्स पूंजी है। एक बार हमने बिल्डिंग बना ली तो वो हमारी एक फिक्स पूंजी हो गई, फिर हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकते। एक बार मशीन खरीद ली तो थोड़ा लंबे समय तक हम उसको यूज कर लेते, तो वो जो पैसा हमारा खर्च हुआ है, कैपिटल मतलब पूंजी यानी पैसा, तो वो एक हमारी फिक्स पूंजी होगी। फिर सेकेंड हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एंड मनी इन एंड, और पैसा भी चाहिए खरीदने के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एस यार्न यूज बाय, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी वेराइटी चाहिए, जैसे धागा चाहिए वीवर यानी बुनने वालों को, क्ले की मिट्टी चाहिए पोटर को, मटके बनाने वाले को, और मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो हमेशा आपके हाथ में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम, ताकि आप पेमेंट भी कर सको और दूसरी चीज़ों को खरीद सको। तो जो रॉ मटेरियल और पैसा होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक तो हो गया फिक्स कैपिटल, जो तो फिक्स बन गया तो एक बार ही चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हमें बीच बीच में चाहिए, कि अब याद आ गया कि ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, तो उसका पेमेंट करना है, और ये कच्चा माल खरीदना है, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। अनलाइक टूल, मशीन, बिल्डिंग, दे यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे टूल, और वो हमने पढ़ा था ना, टूल, मशीन, बिल्डिंग, वो तो फिक्स ही रहता है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता, ये तो प्रोडक्शन में क्या हो जाता है? यूज़ हो जाता है। रॉ मटेरियल लाओगे, प्रोडक्शन में यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। पैसा लगाओगे, प्रोडक्शन में यूज़ हो गया, खत्म हो गया। तो ये वर्किंग कैपिटल होता है। देर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब हमें चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज यूअर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब चौथा रिक्वायरमेंट है, हमें दिमाग चाहिए, और एंटरप्राइज का मतलब हमें मैनेज करना, यानी मैनेजर है हम। क्या है? मैनेजर है। अब हमें कंपनी का मैनेजर चाहिए, यानी आप खुद आप मैनेजर हो, ताकि आप जमीन, लेबर
और फिजिकल कैपिटल तीनों का सही तरीके से यूज करके आप प्रोड्यूस कर सको सामानों का, और किसके लिए प्रोड्यूस कर सको, या तो आपके लिए या तो मार्केट में सेल करने के लिए। और दिस डे इट इज कॉल्ड, और इस दिन में इसको क्या आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन कैपिटल। किसके नाम से जाना जाता है, ह्यूमन कैपिटल, यानी हम इंसान भी क्या है, एक पूंजी है, हम इंसान भी एक पैसा है। क्यों पैसा है, क्योंकि जब हम लोग हमारा दिमाग यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारे दिमाग को अगर हम यूज़ करके इन सारी चीज़ों का सही यूज़ करके अगर हम प्रोडक्शन कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकेंगे, पैसा कमा पाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान है कि आप भी एक पूंजी हो, क्योंकि आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके खाने पे खर्च कर रहे हैं, आपके चिकित्सा पे खर्च कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, ताकि आगे जाके आप अच्छा प्रोडक्शन करो। ये एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें देखो लैंड भी है तभी तो ये काम चल रहा है, लेबर है काम करने वाले, और फिक्स कैपिटल के लिए इन्होंने मशीनें खरीद रखी है, तो ज़मीन भी है, काम करने वाले भी है और मशीनें भी है। तो ये सब किसका क्या यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो हर जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा बनता है, एक तो लैंड, तो आपको ये याद रखना है इस पूरे टॉपिक में, लैंड होता है, फिर क्या होता है, लेबर होता है, और फिर क्या होता है, फिजिकल कैपिटल। इनके बारे में भी याद करना है कि ये क्या होते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल, और ये सारे मिलकर क्या बनते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब मिलकर क्या बनते हैं, विच इज़ नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रूट थ्रू स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे आगे, वी विल लर्न मोर अबाउट फर्स्ट थ्री फैक्टर। तो हमें इस चैप्टर में शुरू के तीन के बारे में पढ़ना है, और ये वाला तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो शुरू के तीन वाले में पढ़ना है फिजिकल कैपिटल एज ए कैपिटल। और अब आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में बार बार वर्ड यूज़ किया जाएगा, कैपिटल कैपिटल, बस कैपिटल ही लिखा जाएगा। तो आपको कैपिटल क्या समझना है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल नहीं समझना, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ लिख रखा है फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बार बार कैपिटल का नाम लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल, है ना। तो ये हमारा चैप्टर का थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था, और अब हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे। सबसे पहला है फार्मिंग इन पालमपुर, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, और अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रीड करके आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको क्या कर लेना, याद कर लेना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।